नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी के 14वें मुकाबले के बारे में। हरियाणा स्टीलर वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में प्रो कबड्डी का 14वां मुकाबला खेला जाने वाला है, और इस मैच में क्या होने वाला है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, कबड्डी में तो आपके भाई ने तबाही मचा रखी है। हर मैच में ही बैक टू बैक ग्रैंड लीग्स जीता के आ रहा हूँ। लगातार 8 मैचों में ग्रैंड लीग जीत के आ रहा हूँ भाइयों, और जीता के आ रहा हूँ। जिस प्लेयर को बोलता हूँ फ्लॉप, वो फ्लॉप हो जाते हैं। जिसका बोलता हूँ कैप्टन बनेगा, वो कैप्टन बन जाते हैं। तो आज के मैच में कौन से प्लेयर चलेंगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ अपना लास्ट मैचों का रिजल्ट दिखाता हूँ। चलो आओ टेलीग्राम पे ले चलता हूँ सीधा। ये देखो, कल के मैच में सबसे बड़ी ग्रैंड लीग जिताई है, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे आपके भाई का ही मेंबर है। और कल आपको मैंने सोमबीर को कैप्टन बना के दिया था। ये टीम आपको मैंने इंस्टाग्राम पे ओपन दिया था, सारे प्लेयर ट्रिम टीम के थे, और सोमबीर को किसी ने लिया ही नहीं था और मैंने कैप्टन बनाया था। बताओ, इस मैच में मेरी 37 रैंक चल रही थी और एंड ऑफ द मैच फर्स्ट रैंक पे आपके भाई का ही मेंबर आया, बस वीडियो थोड़ा मेरा टीम में चेंज करके। और इस टीम की स्मॉल लीग टीम में देखो, जफर दानिश को आपको कैप्टन बना के दिया था। और इस मैच की दो ग्रैंड लीग की टीम आपको इंस्टाग्राम पे दी थी, वो तो अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दिया। बाकी हाँ, बताना ये है कि भाई टेलीग्राम पे आपको मेरी फाइनल टीम मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे दो ग्रैंड लीग की टीम्स मिल जाएगी। तो दोनों की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे पहले नंबर पे है, वहीं से दोनों ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम आपको मैं वहीं पे देता हूँ। और क्या दिखा रहा था यार मैं, हाँ ये देखो, ये है तमिल तलाइवा पुनेरी पल्टन का रिजल्ट। 8 रैंक पे आपके भाई का मेंबर, 22 रैंक पे 4 मेंबर है लगातार, ठीक है। और आपको इंस्टाग्राम की टीम में मैंने कैप्टन बना के दिया था एन कुमार को, वॉइस कैप्टन सचिन तनवर को, जिसको किसी ने लिया ही नहीं था, और ऑलराउंडर एक लोता अविनेश नदराजन लेके दिया था। तो इसी टीम में थोड़ा थोड़ा चेंज करके बंदों ने ग्रैंड लीग स्पिन करी थी, ठीक है। बाकी वीडियो में क्लियर बता दिया था आपको भाइयों। और दिखाता हूँ, ये देखो जरा, ये यूपी योद्धा का मैच था बेंगलुरु बुल्स के साथ में, उसमें मेरे मेंबर की 3rd रैंक आई थी, देख सकते हो सबसे बड़ी ग्रैंड लीग में, ठीक है। और इस मैच में तो क्लियर ही मैंने थंबनेल पे लिख दिया था सुमित या नांदल कौन बनेगा कैप्टन, तो सुमित कैप्टन बना था। गिलिया भरत कौन बनेगा वॉइस कैप्टन, तो गिल वॉइस कैप्टन बना था। 200 पॉइंटों से बने थे वो भी दोनों, पता होगा आपको। और जयपुर पिंक पैंथर का जो लास्ट मैच हुआ था, उसमें देखो ये टीम बना के दिया था आपको, 6 प्लेयर लेके दिए थे जयपुर के आपको मैंने, देखो 6 के 6 ड्रीम टीम में आए थे। और इस मैच में भी मेरे सारे मेंबर ग्रैंड लीग जीते थे, फर्स्ट रैंक पे सारे के सारे मेंबर्स आए थे, ठीक है। तो भाइयों, आपका भाई हवाबाजी नहीं करता है, जो करता है वो प्रूफ के साथ करता है, ठीक है। लोगों का काम है हवाबाजी करना, आपके भाई का नहीं। तो तबाही मचा रखी कबड्डी के, हर मैच में ग्रैंड लीग जिताता जा रहा हूँ। और देखोगे क्या, और देख लो भाई, आपके भाई के पास में है दिखाने के लिए, लोगों के पास में स्मॉल लीग नहीं जीत पाते हैं लोग, और आपका भाई ग्रैंड लीग बैक टू बैक जीत रहा है। इस मैच में भी ग्रैंड लीग जीता था, देख सकते हो, और यही टीम मैंने आपको ओपन भी दिया था, देख सकते हो, जीएल टीम दी थी इंस्टाग्राम पे। तो लगातार कबड्डी के हर मैचों में ग्रैंड लीग जीतना आम बात नहीं है। और ये देखो, ये था यूपी योद्धा और दबंग दिल्ली का मैच, इसमें देखो 20 रैंक 20 रैंक 25 रैंक और यहाँ से 27 रैंक, और इसमें 4th रैंक 6th रैंक, यूपी योद्धा और दबंग दिल्ली का रिजल्ट है ये। आंधी आ गई है आपके भाई के नाम की कबड्डी में, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाइयों, SMSH ठाकरे 21, इसकी लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, एक नंबर पर पिन है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना भाइयों। और इंस्टाग्राम भी दिखा देता हूँ अपना आपको, ये मेरा इंस्टाग्राम है भाइयों, मिस्टर सोमेश ठाकरे। और सोमेश ठाकरे
103.4 मेंबर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे रोज आपको फ्री में ग्रैंड लीग की टीम देता हूँ, ठीक है। तो ये भी ज्वाइन कर लेना भाइयों, कल के मैच की टीम देखो जरा, तबीयत मस्त हो जाएगी। ये टीम आपको ओपन दिया था 8:06 पे, देखो जरा, सोमवीर को लिया ही नहीं था लोगों ने भाई, और मैंने कैप्टन बनाया था, वही ग्रैंड लीग जीत गए सारे बंदे। और भी मैचों की टीम दी थी, ये देखो जो बता रहा था आपको, एन कुमार को सीवीसी बना के दिया था, ये देखो। तो इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, करना किसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां से। चलो बाकी अब चलते हैं भाइयों, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का तो बता ही दिया है, अब आज के मैच की टीम की भी बात कर लेते हैं। चलो सबसे ऊपर है अंकुश राठी, 91% सिलेक्शन है आज के मैच में, और आज के मैच में क्या करने वाला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं भाई। आज के मैच में अंकुश राठी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, और लेके चलो भाई इसको ड्रॉप मत करना, ठीक है। और इसको आज आप सीवीसी भी बना सकते हो, आज ये कुछ ज़्यादा ही पॉइंट ले आ सकता है, 100+ पॉइंट ले सकता है आज के मैच में भाई अंकुश राठी। आज के मैच में कैप्टन बनने के इसके पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको लेफ्ट कॉर्नर पर खेलता हुआ दिखाई देगा और जयपुर की तरफ से एक इम्पोर्टेंट डिपेंडर रहेगा, ठीक है। बात करेंगे सुरजीत की, तो क्या बोला था, पवन शेरावत को उठा उठा के फेंकेगा, और वही काम किया था। तो आज के मैच में फिर से पवन शेरावत तो नहीं है, लेकिन हरियाणा के जो भी रहेंगे रेडर्स भाई, वो उठा उठा के फेंकता है, ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। और आज के मैच में जयपुर की तरफ से ये आपको राइट कॉर्नर पर खेलता हुआ दिखाई देगा, और ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है भाइयों, राइट कवर पर खेलता हुआ दिखाई देगा, सॉरी ठीक है, राइट कवर का फील्डर क्या करता है, डैश करता है या तो उठा के फेंक देता है, और ये ज़्यादा उठा के फेंक देता है, तो इसको भी ले लेना भाई। और जयपुर के जीतने के इस मैच में थोड़े ज़्यादा चांसेस है, तो मैं बोलूँगा कि आप स्मॉल लीग की टीम तो जयपुर के फेवर में ही बनाना, ठीक है, नहीं तो आपका ओपोनेंट बना के आ जाएगा तो आप हार जाओगे, ठीक है। तो स्मॉल लीग खेलने वालों के लिए पहले ही बता दूँ भाई, बाकी ग्रैंड लीग खेलने वालों के लिए और भी खास बातें हैं, वो वीडियो के एंड में बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स हैं कि आप कैसे ग्रैंड लीग जीत सकते हो इस मैच में। यहाँ से ये दो आपको दिख रहे हैं सिलेक्शन वाले प्लेयर, 91% और जयपुर जीतने के पूरे चांसेस है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे और शानदार खिलाड़ी भाइयों, ताकतवर खिलाड़ी है, दोनों की हाइट कम है लेकिन बड़े बड़े रेडर्स को ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। चलो बात करते हैं सेतपाल की भाइयों, सेतपाल आज आपको राइट कॉर्नर पर खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, और आज के मैच में सेतपाल मालूम है किसको आउट करने वाला है, आज के मैच में विकास खंडोला को बार बार सेतपाल उड़ाने वाला है, तो सेतपाल को ले लेना भाइयों, आज के मैच में विकास खंडोला का शिकार करने वाला है, राइट कॉर्नर पे हरियाणा की तरफ से आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। पिछले मैच में भी लिया था, पिछले मैच में भी ड्रीम टीम में आया था, और हरियाणा के लास्ट मैच में भी ग्रैंड लीग जिताई थी, कबड्डी के सारे मैचों में ग्रैंड लीग जिता रहा हूँ। तो सेतपाल भी आज के मैच में एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसको आपको लेके चलना है, ठीक है। और अगर हरियाणा के फेवर में आप टीम बनाते हो तो उसमें आप सीवीसी भी इसको बना सकते हो। अभी मैं आपको दो टीमें बना के बताऊंगा, तीन टीम बना के बताऊंगा, एक स्मॉल लीग की, दो ग्रैंड लीग की, एक हरियाणा के फेवर में ग्रैंड लीग की टीम बना के बताऊंगा, एक जयपुर के फेवर में, और स्मॉल लीग की टीम दोनों के फेवर में रहेगी, ठीक है, बस उससे आप स्मॉल लीग जीत जाओगे, है ना। तो सेतपाल, बात करते हैं जयदैया की, जयदैया भाई आज के मैच में खेल सकता है, और ये लेफ्ट कवर है, लेफ्ट कवर खिलाड़ी है, लेकिन हाँ भाई अगर ये खेलता है तो ये इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि इसके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, पिछले 2 सालों से इसका शानदार रहा है कबड्डी सीजन, तो अगर ये खेलेगा आज के मैच में तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा। और ये राइट कवर है यार भाइयों, मैंने लेफ्ट कवर बोल दिया शायद से ना, तो राइट कवर अगर ये है तो ये आज अर्जुन देशवाल को उड़ा सकता है, और अर्जुन देशवाल आज सीवीसी बनाने लायक नहीं है। अब बोलोगे भाई ये बात तो आप बता रहे हो, हाँ तो वीडियो अभी पूरी कहाँ हुई है, अभी पूरी बची है, जब अर्जुन देशवाल की बात आएगी तो और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो जय दहिया आज के मैच में अगर खेलेगा तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा, ध्यान रखना, जिसका सिलेक्शन सिर्फ 8% है। बात करेंगे आर मिर्बा गेरी की, आर मिर्बा गेरी लेफ्ट कवर में खेलता हुआ आपको दिखाई देगा, 78% सिलेक्शन है आज के मैच में, पिछले मैच में ले गया था 91 पॉइंट ले गया था, आज सब लोग ले रहे हैं। इसका भी भाई वो पिछले 2 साल से बढ़िया सीजन रहा है, और इस सीजन की शुरुआत भी इसने शानदार तरीके से की है, और पिछले मैच में ले गया था, 6 पॉइंट ले गया था।
तो आज के मैच में भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो भाई जयपुर के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, तो जयपुर के फेवर में ही आप टीम बनाओ मेरे हिसाब से, तो आपको जयपुर में ही जयपुर के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ग्रैंड लीग की टीमों में थोड़ा रिस्क भी लेना जरूरी है। पता चल रहा है अगर हरियाणा जीत गया और अपनी हरियाणा के फेवर में टीम ही नहीं है, है ना, तो आर मिर्भा गिरी को उसी टीम में लेना जिसमें आप जयपुर को फेवर कर रहे हो, ठीक है। बात करेंगे संजय की, तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है और आज के मैच में शायद ही खेले, तो एल शर्मा की बात करते हैं। एल शर्मा का पिछले मैच में बताया था और एल शर्मा ने वही काम करके दिया। ये राइट कॉर्नर पे खेलता हुआ दिखाई देगा भाई, और आज के मैच में जयपुर की तरफ से एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है जिसका सिलेक्शन भी कम है, सिर्फ 28% लोग ले रहे हैं, और आज के मैच में इसको आप ले सकते हो। और भाई ग्रैंड लीग में CVC बनाओ, क्योंकि ऐसे प्लेयर ही ज़्यादा पॉइंट ले जाते हैं जिनका सिलेक्शन बहुत कम होता है, और इसकी टीम आज के मैच में लगभग कन्फर्म है कि जीतेगी। देखो भाई अभिषेक बच्चन की टीम है, हारती नहीं है, ट्रॉफी उठाती है, पिछले साल फाइनल खेली थी उससे पहले ट्रॉफी उठाई थी, तो अभिषेक बच्चन का ही टूर्नामेंट समझो आप, ये अभिषेक बच्चन का टूर्नामेंट और आपके भाई का प्रेडिक्शन, ठीक है। वैसे तो टूर्नामेंट मेरा है भाइयों, क्योंकि हर मैच में ग्रैंड लीग मैच जीता रहा हूँ ना, तो एल शर्मा आज के मैच में लेने वाला हूँ, एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है जयपुर की तरफ से, कॉर्नर पे खेलेगा, राइट कॉर्नर का खिलाड़ी है, शानदार रहेगा आज के मैच में। फिर से बात करेंगे यहाँ से सुधा लेमानी की। सुधा लेमानी -2 में गया था पिछले मैच में, राइट कवर खेल रहा था, और आज के मैच में अगर खेलता है तो फिर से राइट कवर पे खेलेगा, लेकिन यार इसको बिठा के जयदीप को खिला लो ना यार भाई, हैं जयदीप को क्या हो गया है जो जयदीप को नहीं खिला रहे हो। तो भाइयों अगर फिर से सुधला मायनी खेलता है तो ये आज के मैच में इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि ये अटैक करेगा अर्जुन देशवाल को, और राइट कवर में खेलने की वजह से ही उसको डैश कर सकता है अर्जुन देशवाल को। तो अगर ये खेलता है तो इसको ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो, खासकर हरियाणा फेवर, हरियाणा के फेवर में अगर आप टीम बना रहे हो तो उस टीम में ले सकते हो इसको। बात करेंगे अब एम नेसामानी की। एम नेसामानी लेफ्ट कवर पे खेलता हुआ आपको दिखाई देगा आज के मैच में, और एम नेसामानी 0% सिलेक्शन है, और विकास खंडोला को ये आउट कर सकता है आज के मैच में, और विकास खंडोला वैसे ही देखो फुसकी है यार भाइयों, विकास खंडोला तो क्या ही बोलूँ यार, थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या बोलूँ, बाद में बोलूँगा उसके बारे में जब उसकी बात करेंगे। तो एम नेसामानी 0% सिलेक्शन है, और विकास खंडोला वैसे ही वीक प्लेयर है, तो इसको भी मैं ग्रैंड लीग की टीमों में लूंगा। अभी मैं आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन जब बना के बताऊंगा, अभी मैं यहाँ से 4 डिपेंडर लेके चल रहा हूँ, एल शर्मा, ए राथी, एस सिंह, आर सेतपाल, ठीक है, 4 डिपेंडर ले रहा हूँ, और ये 4 डिपेंडर मेरी स्मॉल लीग की टीमों में भी आपको दिखने वाले हैं, और होगा तो मैं एक डिपेंडर और बढ़ा लूंगा स्मॉल लीग में, ठीक है। ग्रैंड लीग में रिस्क लूंगा कैसे प्लेयरों पे, ऐसे जो 0% पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको कैसे लेना है आपको किन टीमों में वो आपको आगे पता चलेगा। चलो ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। एम चियाने, मोहम्मद रेजा चियाने, पुनेरी पलटन में तो तबाही मचा रखी थी, अब क्या हुआ भाई, अब कुछ नहीं हो पा रहा क्या भाई, लेकिन भाई ये खिलाड़ी है शानदार, और आज अर्जुन देशवाल को ये कप्तान नहीं बनने देगा, तो आप सोचोगे आज अर्जुन देशवाल जब कप्तान नहीं बनेगा तो कप्तान किसको बनाना है, कप्तान आपको मालूम है आज किसको बनाना है, किसको बनाना है आज कप्तान आप, मोहम्मद रेजा चियाने लेफ्ट कॉर्नर पे खेलता हुआ दिखाई देगा, और आज अर्जुन देशवाल खतरे में रहेगा भाइयों, क्योंकि मोहम्मद रेजा चियाने बहुत खतरनाक डिफेंडर है, और ये रेडिंग भी करता है, लेकिन रेडिंग कम करता है लेकिन टेकल ज़्यादा करता है, और टेकल इतने करता है कि 200 पॉइंट एक एक मैच में लेता है, 300 पॉइंट भी ले लेता है, तो हरियाणा मोहम्मद रेजा चियाने की वजह से थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, और आज के मैच में टक्कर दे सकती है, क्योंकि अर्जुन देशवाल आज खतरे में है, चियाने आज उड़ा सकता है उसको। तो भाइयों आज के मैच में कप्तान बनाने लायक प्लेयर रहने वाला है मोहम्मद रेजा चियाने, तो शानदार रहने वाला है, लेके चलो, ठीक है। बात करेंगे इस पटारे की, तो भाइयों ये रेडिंग ज़्यादा करता है ना कि डिफेंस, फिर भी इसको ऑलराउंडर में डाल दिया है, तो अगर इसको आप चाहो तो ले सकते हो, अगर हरियाणा के फेवर में आप टीम बनाते हो तो, नहीं तो छोड़ दो, इसका काम वैसे ज़्यादा रेडिंग करना है। बात करेंगे ए मलिक की, तो भाई तबाही मचा दी, पहले सीजन में आग लगा दी, दोनों ही मैचों में 100 पॉइंट ले गया,
आज के मैच में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा क्योंकि ये टेकल भी शानदार करता है और रेडिंग भी जबरदस्त करता है, जयपुर के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, ये बच सकता है मोहम्मद रेजा चियाने से, ठीक है आज के मैच में। तो ये अर्जुन देशवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है आज के मैच में क्योंकि टेकल भी करेगा और मोहम्मद रेजा चियाने से ही बचा रहेगा। चलो ऑलराउंडर में और कोई है नहीं, अब चलते हैं बात करने रेडर्स की। रेडर्स में सबसे ऊपर है अर्जुन देशवाल। भाइयों अर्जुन देशवाल को आज सीवीसी में तो बोलूंगा भाई मत ही बनाओ क्योंकि मोहम्मद रेजा चियाने जो है उड़ाएगा इसको, उठा उठा के फेंक देगा यार भाई, वो खतरनाक है मोहम्मद रेजा चियाने। तो अर्जुन देशवाल बस मोहम्मद रेजा चियाने की आज जंग में मुझे लगता है कि मोहम्मद रेजा चियाने जीतेगा। फिर भी अर्जुन देशवाल इतने पॉइंट तो ले सकता है कि ड्रीम टीम में आ जाए, ठीक है। और देखो भाई रेडर सेक्शन में देखोगे तो विकास खंडोला कुछ खास है नहीं है, विनय अच्छा है लेकिन स्मॉल लीग में लेना तो बहुत रिस्की रहेगा, ठीक है। यहाँ से वी टाटे माइनस दो में चले गए, एन नदराजन सब्स्टिट्यूट है, एस मिश्रा सब्स्टिट्यूट है, एस मेहरा खेलेगा नहीं, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन एक ही है अर्जुन देशवाल। और जयपुर के फेवर में टीम बना रहे हो तो सीधे सीधे अर्जुन देशवाल है ना। बाकी चाहो तो ग्रैंड लीग में रिस्क लेके खंडोला को ले सकते हो, पर खंडोला भाई खराब खच्चर खिलाड़ी है, बहुत मुश्किल से चलेगा देखना इस पूरे सीजन में, एक मैच में ड्रीम टीम में आ जाए बहुत बड़ी बात रहेगी। चलो तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा भाइयों, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ अगर आप चाहो तो इस टीम में एक हाथ चेंज कर सकते हो, जयपुर के फेवर में जा रहे हो तो सीधा सीधा आप यहाँ से एक और आर मिर्वा गैरी को भी उठा सकते हो, ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो आज के मैच में। दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना के बता दी जयपुर के फेवर में, ठीक है। और मेरी स्मॉल लीग टीम और आधी 10 से 12 ग्रैंड लीग की टीम है जयपुर के फेवर में रहेगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सब कुछ, बाकी फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम पे मिली जाएगी, ग्रैंड लीग की टीम इंस्टाग्राम पे मिली जाएगी, ग्रैंड लीग के और कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है लाइनअप के टाइम पे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं इस कॉम्बिनेशन को डन करता हूँ और इस टीम में बात करते हैं सीवीसी की। तो भाइयों आज के मैच में सबसे बढ़िया कप्तान राठी देने वाला है अगर जयपुर के फेवर में टीम बनाते हो, और वॉइस कैप्टन आप चाहो तो ए मलिक को या फिर एल शर्मा को कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो भाई सबसे बढ़िया कप्तान चियाने, और चाहो तो ग्रैंड लीग में भी आप चियाने को बना सकते हो क्योंकि इसके पास में आज सबसे ज़्यादा मौका रहने वाला है अर्जुन देशवाल को पकड़ने का। वॉइस कैप्टन आप चाहो तो सुरजीत को या फिर राठी को कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो, इन दोनों को सीवीसी आप स्मॉल लीग में बना सकते हो, ठीक है। बाकी इस टीम में थोड़ा थोड़ा चेंज करके ग्रैंड लीग के और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और हाँ ग्रैंड लीग विन करने की वो ट्रिक तो बता दूँ। देखो भाइयों आज के मैच में आपको मालूम है कि जयपुर जीत जाएगा, मैंने आपको बता दिया, तो जयपुर के फेवर में आप टीमें बनाओ, 5 से 6 खिलाड़ी जयपुर के लेके चलो। उससे होगा क्या कि जयपुर जब जीतेगा तो पिछला मैच देखा आपने, देखो जरा एल शर्मा ले गया 99 पॉइंट, लेकिन उसने करा मालूम है क्या था, बस उसने 3 टेकल करे थे 60 पॉइंट लिए थे, बाकी के उसको 32 पॉइंट मालूम है कहां से मिले, ऑल आउट के मिले। तो जो टीम जीतती है ना उसके प्लेयर्स को ऑल आउट के 8-8 पॉइंट्स मिलते जाते हैं। तो अगर आपके पास में एक टीम के 5 से 6 खिलाड़ी हैं और वो टीम जीत गई है तो भाई आपको ऑल आउट के पॉइंट इतने मिल जाएंगे कि आपके जो प्लेयर है वो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो कैसी लगी ग्रैंड लीग विन करने की ट्रिक, और जो हारती टीम उसका एक प्लेयर या फिर 2 प्लेयर ही लेके चलो, वो भी 2 प्लेयर कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको बता ही दिया हूँ, सेतपाल और चियाने, समझ में आया। तो बस रोज वीडियो देखो और कॉम्बिनेशन बना के चलो। अब जैसे देखो मान के चलो इस मैच में अर्जुन देशवाल फ्लॉप हो गया, हरियाणा जीत गया, तो कैसी टीम आप बना सकते हो। तो भाई देखो अगर हरियाणा जीत गया इस मैच में तो आप ऐसी टीम बना सकते हो कि यहाँ से चियाने को सबसे पहले उठाओ, और यहाँ से किसको उठाओगे, विनय को उठा लो, सेतपाल को ले लो, और ये जो दो हैं चंगू मंगू राइट कवर लेफ्ट कवर इनको ले लो। देखो भाई इस टीम के ये 5 प्लेयर तो कोई उठा ही नहीं सकता इस मैच में, ग्रैंड लीग की टीमों में भी मतलब आप 100 लोगों से टीम बनवाओगे ना ये 5 प्लेयर उनके पास में नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि इनको कोई टच ही नहीं करने वाला है। तो अगर हरियाणा जीत गया ना तो ये 5 प्लेयर आज के मैच में हाई चांसेस है कि चल जाएंगे। आर सेतपाल कॉर्नर है, चियाने भी कॉर्नर है, एक लेफ्ट कॉर्नर एक राइट कॉर्नर, मोहम्मद रेजा चियाने लेफ्ट कॉर्नर है जो कि अर्जुन देशवाल को आउट कर देगा, सेतपाल
आज के मैच में राइट कॉर्नर है, जो कि विकास खंडोला को आउट कर देगा। बाकी यहाँ से नेसा मनी लेफ्ट कवर है, जो कि विकास खंडोला को आउट कर सकता है। और यहाँ से एम्स सुधाले मानी ये डैश करके अर्जुन देशवाल को आउट कर सकता है। तो ये जो प्लेयर है आपके काम आ सकते हैं, बाकी रेडिंग से काम आपका विनय कर देगा अगर हरियाणा जीत गया तो। अब इस टीम में आपको देखो दो प्लेयर तो जयपुर के लेना होंगे, तो चाहो तो जयपुर के दोनों कॉर्नर उठा लो, राठी और एल शर्मा, ठीक है ये काम कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो जयपुर के दो कवर उठा लो, एस सिंह और आर्मिर बघेरी, ठीक है ऐसा कर सकते हो। या फिर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेके खेलते हो, आपको अकेले ही ग्रैंड लीग जीतना है, तो दो जो कम सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं उनको उठा लो, एल शर्मा को उठा लो, और कौन है कम सिलेक्शन जिसका जयपुर की तरफ से कम सिलेक्शन है, विकास खंडोला है लेकिन उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, तो अभी के लिए चलो ए मलिक को उठा लेते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो, समझ में आया सब कुछ। तो भाइयों आज की वीडियो में जो कुछ बता रहा था सब कुछ बता दिया, अभी इस टीम में सीबीसी बना के बताता हूँ और फिर क्या है ख़त्म करेंगे वीडियो। बाकी ग्रैंड लीग विन करने के मैंने आपको मूल मंत्र दे दिए हैं, बैठा हूँ आपके सामने, डीपी लगा लो जीत जाओगे। मेरी डीपी लगा के ही अभी बंदे ग्रैंड लीग जीत रहे हैं, देख नहीं रहे हो हर मैच में फर्स्ट पे सेकेंड पे थर्ड पे मेरी ही डीपी दिखती है, क्यों भाई? वो फैंटेसी का बादशाह है आपका भाई, जो डीपी लगाता है वो ग्रैंड लीग जीत जाता है, जो डीपी लगाता है वो चाबी लगाता है खजाने के दरवाजे में, बस फिर दरवाजा खोलो और रोज ग्रैंड लीग जीतो। तो लगाओ डीपी और वीडियो ध्यान से देखो किन प्लेयर्स का बता रहा हूँ, समझो और जीतो। चलो अब जैसे हरियाणा फेवर करके आप टीम बना रहे हो, तो चियाने को सबसे बढ़िया है कि कप्तान कर दो, और वो इस कप्तान चाहो तो सेतपाल को कर दो, ये कॉम्बिनेशन आप हरियाणा के फेवर में बना के जीत सकते हो ग्रैंड लीग, ठीक है भाई? तो समझा ही दिया सब कुछ, अब मिलेंगे कब टेलीग्राम, मिलेंगे कब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम पे आपको मेरी फाइनल टीम मिल जाएगी और दो ग्रैंड लीग की टीम इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, दोनों की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहली कमेंट है पिन, बस वहीं से तो ज्वाइन करना है भाई, तो कर लेना ज्वाइन। बाकी अब कब मिलेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हाँ कबड्डी में तो यार भाइयों तबाही मचा दी आपके भाई ने, वो तो अच्छा है कि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, नहीं तो मैं कबड्डी कवर ही नहीं कर रहा था, मालूम है आपको ये बात? हाँ लेकिन क्या है कि अभी जैसे क्रिकेट में फ्लॉप स्टॉप लग गया तो फिर मैंने कबड्डी पे ध्यान दिया और लगातार हर मैच में ग्रैंड लीग जिता रहा हूँ। तो अगर आपको भी रोज ग्रैंड लीग जीतना है तो रोज वीडियो देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने से मैं कभी भी वीडियो पोस्ट करूँगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ने वीडियो डाल दी, तो कर लेना। चलो इतने काम कर लेना भाई, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।